हेलो गाइस, वेलकम टू दी जुबली न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल सोनी से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आज हम बात करेंगे सोनी और मार्वल की दो मूवीज के अपडेट के बारे में, जो कि अभी हाल ही में हमें अपडेट पता चला है। देन साथ ही साथ, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कोरोना वायरस के चक्कर में आपको कोई भी अपडेट नहीं पता चल रहा है सोनी मार्वल डीसी का, तो आप ऐसा गलत सोच रहे हो। आप मेरे यूट्यूब प्लस सोशल मीडिया के लिंक्स को फॉलो करिए, जिससे कि आप सारे अपडेट डे टू डे मॉर्निंग में मिलेंगे, और जो टाइम टू टाइम आएंगे आपको वो भी सारे अपडेट रिसेंट में जरूर देखने को मिलेंगे। तो गाइस, आप फॉलो करिए मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब को भी, और प्लस टेलीग्राम को भी, जिससे कि आपको सारे अपडेट तुरंत रिसेंट में पता चल जाए। अब बात करते हैं अपडेट के बारे में। तो अभी हाल ही में सोनी के जो स्क्रीन राइटर हैं रॉबर्ट रो, उन्होंने अभी हाल ही में कन्फर्म करा है कि वो मार्वल और सोनी के दो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, यानी कि उनकी स्क्रीन राइटिंग कर रही है। जी हाँ, अब दो मूवी का नाम रिवील नहीं करा है। वो मूवी कौन कौन सी हो सकती है, तो मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से अभी हाल ही में जो अपडेट आई है, मैं उनके नाम लेता हूँ, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको लगता है कि हाँ, इन मूवीज पर काम हो सकता है और वो फ्यूचर में हमें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो है मैन वुल्फ। जी हाँ, मैन वुल्फ स्पाइडरमैन का एक ऑफिशियली विलेन है, जो कि सोनी जेटएक्स आता था पहले, उस पर हमने ये देखा था, और मैं 100% इस चैनल का फैन था और मैं उस पर स्पाइडरमैन की टीवी सीरीज देखता था। तो मैन वुल्फ अभी हाल ही में अपडेट भी आया था कि सोनी इसके ऊपर काम कर रहा है। देन उसके बाद सोलो मिस्टीरियो मूवी, इसके ऊपर भी एक काम हो सकता है। जी हाँ, आप सभी जानते हो कि मिस्टीरियो तो मर चुका है, बट ऐसा नहीं है, कोई कन्फर्म नहीं है, पर सोनी ने अभी हाल ही में एक रूमर दिया था कि सोनी कंपनी ऑफिशियली इसके ऊपर काम करेगा और इसकी एक सोलो मूवी भी बनाएगा। देन उसके बाद थर्ड नंबर पर है केविन द हंटर। जी हाँ, तो ये भी एक विलेन है जो कि जानवरों से बात कर सकता है, और जानवरों के थ्रू उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर भी है, उसमें गेंडे की पावर है। जी हाँ, देन उसके बाद फोर्थ नंबर पे है स्पाइडर वूमैन। तो सोनी ने बोला था कि स्पाइडर वूमैन जो कि एक हीरो है, उसके ऊपर भी वो एक सोलो मूवी बना सकता है। देन फिफ्थ नंबर पे है, जो कि काफ़ी कमाल का और एकदम अच्छा कैरेक्टर है, वो है डॉक्टर ऑटेरियस। जी हाँ, अभी हाल ही में रूमर्स आए थे कि डॉक्टर ऑटेरियस के ऊपर भी एक मूवी बन सकती है। तो गाइस, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि रॉबर्ट रो किस मूवी के ऊपर स्क्रीन राइट कर रहे होंगे, वो कौन सी मूवी हो सकती है? और देन स्पाइडर वर्स का सेकंड पार्ट भी कंफर्म हो चुका है। जी हाँ, तो वो भी शायद मूवी हो सकती है। तो गाइज, आपको कौन कौन सी मूवी लग रही है कि रॉबर्ट रो ऑफिशियली उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सोनी का ऑफिशियली खुद का एक यूनिवर्स खड़ा हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वेनम, वेनम 2, फिर मॉर्बियस, अब ऊपर से ये दो प्रोजेक्ट और, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो गाइज, आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो, पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आता, प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।